दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का डीएनडी की एमपी एक्सप्रेस की पैकेज 2 की अपडेट में। दोस्तों, जो पैकेज 2 है वो चैनेज 7 किलोमीटर से लेकर चैनेज 33 किलोमीटर तक की है। तो यहां पर आज मैं आपको पैकेज 2 की अपडेट दिखाने वाला हूं और ये पहला पार्ट होने वाला है पैकेज 2 का। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कालिंदी कुंज मीठापुर रोड पर लेवलिंग का काम किया जा रहा है। जो यहां पर राइट साइड वाली सर्विस रोड है उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं डीएनडी की एमपी एक्सप्रेस में टोटल 3 पैकेज रखे गए हैं और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर पार्ट है। तो इन 3 पैकेज में से जो पैकेज 2 है वो यहां पर मदनपुर खादर से शुरू होता है और उसके बाद ये हरियाणा सेक्शन में चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मदनपुर खादर से लेकर सेक्टर 37 फरीदाबाद तक की अपडेट दिखाने वाला हूं। तो इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए आने वाली वीडियोज देखने के लिए। यह पहला पार्ट है इस डीएनडी की एमपी एक्सप्रेस के, और पार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सेगमेंट आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली अपडेट में दिखाया था, मदनपुर खादर यानी चैनेज 7.5 किलोमीटर के आसपास एक नया लॉन्चर लगाया गया है जो कि यहां पर सेगमेंट लॉन्चिंग का काम करने वाला है। तो इसलिए यहां पर इतने सारे सेगमेंट रखे गए हैं क्योंकि वो जो लॉन्चर है वो यहां पर मदनपुर खादर से ही जाएगा डीएनडी साइड पर। तो यहां पर मदनपुर खादर से डीएनडी साइड जाने के लिए एक दूसरा लॉन्चर लगाया गया है। काम में जो प्रोग्रेस है वो डबल हो जाएगी और साथ ही में वो जो लॉन्चर है वो एक स्पैन बनाएगा और धीरे धीरे ये जो एक्सप्रेसवे है डीएनडी की एमपी इसको कंप्लीट करेगा। यानी पैकेज 1 में लगाया गया है, हम लोग पैकेज 2 में चल रहे हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं अप्रोच रोड का काम अभी किया जाएगा और यहां पर आरी पैनल्स इंस्टॉल लगभग कर लिए गए हैं और इधर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर कैप का काम अभी इन पिलर्स में नहीं किया गया है। हम लोग मीठापुर के कास्टिंग साइड के पास में आ चुके हैं और यहां पर पाइलिंग का वर्क भी किया जा रहा है। आप लोग पाइलिंग वर्क भी यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, वीडियो में दी गई जानकारी रिपीट ना करके आप वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाइए, तो इस वीडियो की ड्यूरेशन भी ज्यादा है और आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी इस डीएनडी की एमपी एक्सप्रेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पूरे डीएनडी से केएमपी के बीच में डीआरए इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है और यहां पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रखकर इस एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है। एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी ऑनर रहने वाली है। यहां पर आप लोग कास्टिंग यार्ड देख सकते हैं डीआरए इंफ्राकॉन कंपनी का। दोस्तों, डीएनडी की एमपी एक्सप्रेसवे टोटल 59 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो अभी हम लोग मीठापुर चौक की साइड में आ चुके हैं और मीठापुर चौक की साइड में आप लोग देखेंगे काफी सारे गर्डर्स लाकर रखे गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देखेंगे मशीन लगी हुई है और यहां पर जो क्रैश बैरियर का काम है वो किया जा रहा है। यानी क्रैश बैरियर में कंक्रीट भरा जा रहा है और आप लोग देखेंगे पिलर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम हो चुका है और मे बी इसके ऊपर जो फ्लोरिंग का काम है वो किया जा रहा है और लगभग कुछ हद तक कर भी लिया गया है। तो दोस्तों, मीठापुर गोल चक्कर के पास में आप लोग देखेंगे तो कुछ पिलर्स ऐसे हैं जिनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम, यानी इनके ऊपर अभी गर्डर लॉन्चिंग का काम नहीं हुआ है। और लास्ट टाइम ये वाला जो पिलर आप लोग सामने देख रहे हैं ये कनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर जो पिलर्स हैं वो बनकर तैयार हैं और बहुत जल्द इनके ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। तो दोस्तों, मीठापुर गोल चक्कर के जो बाद वाले पिलर्स हैं उनकी पिछली प्रोग्रेस की स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं और अब आप लोग यहां पर देखेंगे तो जो पिलर कैप का काम पिछली बार बाकी था वो कर लिया गया है और अब इनके ऊपर गर्डर लॉन्चिंग का काम हो चुका है। यानी पिलर एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं और इनके ऊपर फ्लोरिंग का जो वर्क है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं काम में काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर आया है। क्रैश बैरियर्स का काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, मीठापुर के आगे बढ़ने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्रैश बैरियर्स का जो काम है वो कर लिया गया है और यहाँ पर पेवमेंट डालने का काम बहुत जल्द किया जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, पेवमेंट डाली तो गई है लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पर पेवमेंट नहीं फिल की गई है।
तो दोस्तों ये है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। अब हम एंटर कर गए हैं हरियाणा में और यहाँ पर आप लोग देखेंगे डीएनडी की एमपी एक्सप्रेसवे के लेन के ऊपर लेवलिंग का काम किया जा रहा है। अप्रोच रोड का वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल की जाएंगी। हरियाणा सेक्शन में एंटर होने के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पूरा हिस्सा एलिवेटेड हो गया है और इस पूरे एलिवेटेड हिस्से में आप लोग देखेंगे तो जो फ्लोरिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है और इसके ऊपर अभी क्रैश बैरियर्स का काम किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो गर्डर लॉन्चिंग का काम है यहाँ पर ये लास्ट पिलर है जिसके ऊपर किया गया है। इसके आगे अब पिलर को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम तभी किया जाएगा जब यहाँ पर पिलर बनकर रेडी हो जाएंगे। आप लोग देखेंगे तो ये जो पिछले पिलर्स थे वो बनकर रेडी हो चुके हैं। इसके आगे के जो पिलर हैं उनके अंदर पिलर कैप का काम अभी चल रहा है। पिलर कैप का काम होने के बाद आप लोग देखेंगे तो जो यहाँ पर आगरा कैनाल है उसको ये एक्सप्रेस वे ऊपर से क्रॉस करके एंटर कर जाएगा फरीदाबाद बाईपास रोड पर, जिसके लिए यहाँ पर जो आगरा कैनाल है उसके अंदर पिलर के कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जा रहा है जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कुछ न्यू पिलर्स हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी किया गया है। तो यहाँ पर ये अभी पिलर्स बनाए गए हैं, इनके अंदर अभी पिलर कैप का काम किया जाएगा और आगे आप लोग देखेंगे आगरा कैनाल के अंदर अभी रिंग खड़ी की गई है, अभी उसमें कंक्रीट भरा जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ काम है जो आगरा कैनाल को क्रॉस कराने के लिए डीएनडी की एमपी एक्सप्रेसवे के लिए किया जा रहा है और अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं फरीदाबाद बाईपास रोड पर। तो इससे आगे का अपडेट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जब तक के लिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा आने वाली वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।